अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो लाइक यू गाइस हैव ऑलरेडी रेड बाय द टाइटल, आज के वीडियो में क्या होने वाला है। आज के वीडियो में मैं बेसिकली आपके साथ शेयर करने वाले हूँ अपना DIY सेटअप और बिगनर सेटअप आइडिया आप बोल सकते हो उसको। सो या इफ यू वॉन्ट टू लाइक आप अपना यूट्यूब स्टार्ट करना चाहते हो, इंस्टाग्राम स्टार्ट करना चाहते हो और आपके पास ज्यादा बजट नहीं है और आपको कम में अच्छा सा एक सेटअप चाहिए डिसेंट क्वालिटी का like I am using. So yeah, if you want to know about my setup and how to start a beginner setup like studio setup, so keep on watching. So first thing first which is required, तो मैं पहले अपनी बात करती हूँ। मैं अपने फोन से शूट करती हूँ, मेरा फोन A50s है सैमसंग का, तो मैं उसी से शेयर करती हूँ। जो भी आपको क्वालिटी दिख रही है ये मेरे फोन की क्वालिटी है और एंड आई थिंक एक डिसेंट अभी के टाइम के फोन काफी अच्छे आ रहे हैं। आई थिंक मेरे से भी ज्यादा, मेरे फोन का कैमरा अच्छा है बट मेरे से भी ज्यादा अच्छे कैमरे वाले फोन आ गए है इन द कम प्राइस में। सो आप कोई भी आपका एक अच्छा फोन हो आप उससे शूट कर सकते हो। यस एंड आई थिंक ये सब बोलते हैं, मोस्ट ऑफ द लोग यही बोलते हैं कि उन्होंने या तो अपने फोन से स्टार्ट किया था। बहुत कम लोग होते हैं जो कैमरा रेकमेंड करते हैं। आई विल रेकमेंड कैमरा बट फॉर फ्यूचर, अभी जब तक आपके पास कोई इनकम भी नहीं आ रही है या आप जस्ट जैसे हॉबी की तरह इसको ट्राई करना चाह रहे हो तो आप अपने फोन से ही स्टार्ट कर सकते हो। आई थिंक इट्स अ डिसेंट क्वालिटी टू स्टार्ट अप विद योर फोन। इंस्टाग्राम पे तो वैसे भी सब लोग फोन से ही स्टार्ट करते हैं, सो आई डोंट थिंक यूट्यूब के लिए भी आपको कैमरा खरीदने की जरूरत पड़ेगी। आप फोन से स्टार्ट कर सकते हो बीट एनी फोन, बट थोड़ा गुड क्वालिटी उसका कैमरा हो, एटलीस्ट डिसेंट हो। ऐसा नहीं कि आपका एकदम पुराना मॉडल का फोन है जिससे हमारे पहले आते थे जिसकी कैमरा क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होती थी। सो फर्स्ट थिंग दैट। नाउ कमिंग टू द सेकेंड पार्ट, मैं अपना रिंग लाइट यूज करती हूँ। इसके पहले मैं रिंग लाइट नहीं यूज करती थी। मेरे जो आप इनिशियल वीडियोस देखोगे उसमें आपको रिंग लाइट नहीं दिखेगी बिकॉज मैं यूज नहीं करती थी एंड आई स्टार्टेड यूजिंग रिंग लाइट बिकॉज मुझे अपने दूसरे रूम में शूट करना था किचन में, तो वहां पे बिल्कुल भी लाइट नहीं है और यहाँ पे ठीक ठाक लाइट है बिकॉज ये मेरा हॉल है तो यहाँ पे ठीक ठाक लाइट है बट वहां अंदर बिल्कुल भी लाइट नहीं है। सो आई थॉट कि मैं वहां शूट करूंगी इसलिए मैंने रिंग लाइट खरीदी थी। बट आई थिंक अगर आपके पास नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट है, आपके यहाँ विंडो है, तो आई डोंट थिंक सो आपको रिंग लाइट भी खरीदने की जरूरत है। अगर आपको चाहिए तो मैं ये टाइगॉट की 10 सेंटीमीटर की रिंग लाइट है, 10 mm वाली, ये मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी। ये काफी डिसेंट क्वालिटी की रिंग लाइट है और काफी अच्छी, कुछ 800 अराउंड की मुझे ही पड़ी थी। और इसमें तीन मोड ऑफ सेटिंग है, इस एक एकदम डार्क येलो हो जाता है, एक येलो होता है थोड़ा सा लाइट एंड एक व्हाइट लाइट है। सो आप थोड़ी सेटिंग बढ़ा भी सकते हो, चेंज भी कर सकते हो और इसका स्टैंड भी काफी अच्छा है। ये काफी ज्यादा लंबा होता है सो या अगर आपको मतलब खड़े होकर शूट करना है सो आप आराम से इस पे शूट कर पाओगे, बहुत ही अच्छी है एंड आई रियली रियली लाइक दिस। बट आई डोंट थिंक सो एज अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो आपको रिंग लाइट कंपल्सरी है खरीदना। यू कैन 100% मैनेज विद द नेचुरल सोर्स ऑफ लाइटिंग अगर आपके यहाँ अच्छी लाइट आती है तो। अगर आपके पास लाइट बिल्कुल भी नहीं आती है, जैसे मेरे रूम में बिल्कुल भी लाइट नहीं आती है, मेरे जस्ट बेड के बाजू में ही विंडो है बट हमारा रूम ग्राउंड फ्लोर पे है तो वहां बिल्कुल भी लाइट नहीं आती है, तो और सामने जस्ट बिल्डिंग है तो बिल्कुल भी लाइट नहीं आती है। सो दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग रिंग लाइट, बट इट इज नॉट नेसेसरी, इट इज अ नीड। अगर आप मैनेज कर सकते हो, आपके यहाँ सोर्स ऑफ लाइट है लाइक आई सेड, तो आप मत खरीदो। आई विल नॉट से कि आप रिंग लाइट लो ही लो, बट अगर आपके यहाँ नहीं है बिल्कुल भी लाइटिंग, आपका कोई सोर्स नहीं है, डार्क आपकी वीडियोज आ रही है, तो आपको रिंग लाइट खरीदनी पड़ेगी। तो मैं अपनी जो रिंग लाइट है उसकी फुटेज वगैरह भी इंसर्ट कर दूंगी कि हाउ इज दिस और फिर कि ये कैसी है और बहुत ही अच्छी, मतलब आई लाइक दिस रिंग लाइट, वेरी डिसेंट क्वालिटी। सो अगर आपको 800 अराउंड के आसपास और भी कम में मिलती है बट आई डोंट थिंक सो वो उतनी अच्छी होगी या इससे भी ज्यादा महंगी भी मिलती होगी जो बहुत ज्यादा अच्छी है। अगर आपके पास बजट है देन यू कैन इन्वेस्ट, बट अगर आपको 800-900 में ही चाहिए देन आई विल डेफिनेटली रेकमेंड दिस वन। आप डिस्क्रिप्शन में मेरी लिंक से चेक कर सकते हो।
नाउ कमिंग टू द बैकड्रॉप, जो मतलब सबसे आई थिंक थोड़ा सा इम्पोर्टेंट होता है, एंड मैं ज्यादा कुछ करती नहीं हूँ बैकड्रॉप के लिए. जस्ट ऐसा होना चाहिए क्या, या तो आपका पीछे बैकग्राउंड है वो एकदम क्लीन हो, या तो आप उस पर कुछ भी थर्माकोल के आप प्लेन चार्ट पेपर जो आता है वो आप लगा सकते हो अगर आपके यहाँ बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस है पीछे वॉल पे तो. या मैं जैसे ये मेरे घर पे हाफ टाइल्स है तो मैं इसी के आगे शूट कर लेती हूँ, बिकॉज मैंने काफी लोगों को देखा है वो ऐसे टाइल्स वाला वो जो शीट आती है वो लगा के शूट करते थे, बट मेरे यहाँ ऑलरेडी ये है और ये काफी ज्यादा क्लीन भी लगता है, सो इसलिए मैं इसी के साथ शूट कर लेती हूँ. मैं बैकग्राउंड मैंने अब तक कोई भी वीडियोस में मेरे चेंज नहीं किया, आई थिंक एक ही वीडियो में चेंज है जिसमें मैं अपने बेड पे शूट कर रही थी, अदरवाइज आप कहीं से भी शूट कर सकते हो. यू कैन यूज चार्ट पेपर अगर बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस है, आप अपने दरवाजे के पीछे जैसे वुडन के काफी अच्छे दरवाजे होते हैं तो आप वहां भी खड़े रहकर शूट कर सकते हो, वो भी वीडियोस में अच्छा दिखता है. और जस्ट या तो आप चार्ट पेपर डाल दो, अच्छा बड़ा आप चार्ट पेपर डाल दो आपके पीछे तो वो काफी ज्यादा प्लेन हो जाएगा तो वो ज्यादा प्रोफेशनल लगेगा, आप वो कर सकते हो. या आपका बजट थोड़ा ज्यादा है तो आप वो जो मैंने शीट्स बताई वो शीट्स DIY पे भी मिलती है, Amazon पे भी मिलती है, Flipkart वगैरह पे भी मिलती है, मैं रेफरेंस के लिए पिक यहाँ डाल दूंगी, वो आप ले सकते हो और आपका बैकग्राउंड अच्छा दिखा सकते हो. बाकी अगर स्टार्ट में आपके पास बैकड्रॉप्स नहीं है तो वो किसी के पास नहीं होते, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप खरीदो ही खरीदो, आपको सब एक ही दिन में चाहिए, नहीं ऐसा नहीं होता है, सब लोग अपना स्टूडियो धीरे धीरे बिल्ड करते हैं, सो आप भी धीरे धीरे बिल्ड करना. तो अगर आपके पास घर पे कुछ है जैसे छोटी टेबल हो गई तो आप टेबल रख दो, उसके ऊपर कुछ वाज रख दो अगर आपके घर पे है तो, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप नॉर्मली ऐसे भी शूट कर सकते हो. एज फॉर दी बैकग्राउंड, नाउ कमिंग फॉर द ऑडियो पार्ट के लिए मैं माइक यूज करती हूँ. अभी आपको जो मेरी आवाज आ रही होगी वो माइक से ही आती है, मैंने ये अमेजोन से लिया था ये कॉलर माइक, सो मैं यही यूज करती हूँ. पहले मैंने ये मीशो से खरीदा था बट उसमें एक्चुअली बहुत ज्यादा साउंड आता था और तो वो बिल्कुल अच्छा नहीं था, एंड वो मतलब चीप था बट यू कांट एक्सपेक्ट मच क्वालिटी फ्रॉम समथिंग सो चीप. सो जो वो माइक था वो काफी ज्यादा चीप था तो वो ठीक से चला भी नहीं. देन मैंने अमेजोन से ये रिंग लाइट और ये माइक साथ में खरीदा था, एंड आई थिंक ये माइक काफी डिसेंट है, इसकी ऑडियो क्वालिटी जैसे आपको सुनाई दे रही होगी अच्छी है. मेरे फोन के से मैंने रिकॉर्ड करने का ट्राई किया था बट उसका वॉइस थोड़ा लो है, सो अगर आप माइक ले लो, आप रिंग लाइट नहीं ले रहे हो कोई बात नहीं, आप माइक ले लो आई वुड से, क्योंकि इससे क्या होगा आपका ऑडियो काफी क्लियर होगा ना, और ऑडियो जितना क्लियर होगा जितना आपका डिस्टर्बेंस कम होता है ना आपको वीडियो आपकी उतनी ज्यादा अच्छी दिखेगी, मतलब सुनने में काफी अच्छी लगेगी, बिकॉज बहुत सारी वीडियोस में कभी कभी कंस्ट्रक्शन का नॉइज वगैरह आता है तो हम लोग ऐसे थोड़ा इरिटेट होता है ना, तो इसीलिए जितना शांत आपका एरिया होगा और आप वहां शूट कर पाओगे तो बहुत ही अच्छा, और अगर आप ऐसा माइक ले लोगे तो आपकी भी वॉइस बहुत ही लाउड एंड क्लियर होगी, सो वो भी एक प्लस पॉइंट हो जाएगा. तो इसलिए आप माइक खरीद लो, रिंग लाइट मत खरीदो एज अ स्टार्ट, तो वो बहुत अच्छा रहेगा. तो लाइक आई सेड कि आप रिंग लाइट मत खरीदो बट यू शुड डेफिनेटली इन्वेस्ट इन अ माइक, बिकॉज ये अराउंड 100, 150, 200 के आसपास का है. इसकी ऑडियो क्वालिटी ऑफकोर्स बहुत फर्क आता है, मेरे स्टार्टिंग के वीडियोज में माइक नहीं था सो उसमें बहुत ही ज्यादा फर्क है, थोड़ी मेरी आवाज बढ़ के आती है. जितना अच्छा आपका माइक होगा उतना अच्छा आपकी ऑडियो आएगी. So if you don't want to invest in ring light, it's okay. But invest in mic because हमारे फोन के माइक्रोफोन उतने ज्यादा रिकॉर्डिंग के लिए अच्छे नहीं होते. और इनफैक्ट मैंने बहुत जब स्टार्ट में मैं वीडियोज बना रही थी तो मैंने ईयरफोन का जो माइक होता है ना वो यूज करके भी बनाया है. सो अगर आप लिटिल लाउड हो सकते हो और आपका एयरफोन अच्छी क्वालिटी का है तो आप वो लगा के भी आराम से शूट कर सकते हो, आपको माइक लेने की भी कोई जरूरत नहीं है, जस्ट एयरफोन जो आपके पास होगे नॉर्मल गुड क्वालिटी के, 50 रुपीज वाले नहीं, उसमें नहीं आती आवाज. सो अगर आपके पास अच्छे एयरफोन्स है तो आप उसमें भी आराम से वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, कोई भी आपको इश्यू नहीं आएगा, बहुत ही अच्छा होता है.
नाउ कमिंग टू द ट्राइपॉड. सो ट्राइपॉड अभी तो फिलहाल मैंने आपको बताया मैं नीचे टेबल रखती हूँ. देन ये मेरा बैकग्राउंड है और सामने मेरा जो रिंग लाइट है उसी पे मेरा स्टैंड है. सो इसीलिए अभी तो मैं यही ट्राइपॉड यूज कर रही हूँ. बट इसके पहले जब मैं शूट करती थी जब मेरे पास रिंग लाइट नहीं थी देन मेरे पास एक छोटा ट्राइपॉड था. एक मिनट में लेके आती हूँ. तो ये जो ट्राइपॉड था ये मैं पहले यूज करती थी. ये काफी ज्यादा अच्छा ट्राइपॉड है. इसमें आप वर्टिकल भी कर सकते हो हॉरिजॉन्टल भी कर सकते हो और काफी ज्यादा अच्छा है ये. ये अगर आपके पास छोटी जगह है और जस्ट आप फेस के सामने रख रहे हो तो फिर आपको ये ट्राइपॉड भी चल जाएगा. नीचे बैठ के आप इसको टेबल पे रख के आप आराम से शूट कर पाओगे. इसको आप थोड़ा सा बड़ा भी कर सकते हो. ऐसे आपको ऑफलाइन मार्केट में भी इजीली 100-200 में मिल जाएंगे. ये मैंने भी ऑफलाइन मार्केट से ही खरीदा था अराउंड 150 का. हाँ तो आपको ये आराम से मिल जाएगी. अदरवाइज एक और आता है जो बटन वाला होता है अमेजोन पे काफी मिलता है. उसके साथ एक रिमोट आता है. सो आप अपनी फोटो खींचने के लिए भी यूज करते हो. वो ट्राइपॉड्स भी काफी अच्छे होते हैं. आप वो ट्राई कर सकते हो. अगर आपको इन बड़े ट्राइपॉड आपके पास नहीं है ऑब्वियसली अगर आप ये रिंग लाइट वाला नहीं लोगे तो उसमें नहीं आएगा. या फिर आपको ये भी नहीं लेना है तो भी इट्स ओके कम्प्लीटली फाइन है. आप जस्ट एक नॉर्मल जो जैसे मेरा पलंग है तो अगर मेरी खिड़की पे मैं रख सकती हूँ तो मैं वहां रख के शूट कर लूंगी. या फिर कोई टेबल है आपके पास तो आप टेबल रखो टेबल पे बॉक्स रखो और उसके आगे जस्ट फोन रख दो अपना. आराम से आपका जुगाड़ वाला ट्राइपॉड बन जाएगा. आपको ट्राइपॉड खरीदने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और ऐसे ही करके आपका अच्छे तरह वीडियो बन जाएगा. कोई इश्यूज नहीं होगा. जरूरी नहीं है कि आपको खरीदना ही कोई चीज. अगर आपके पास कुछ नहीं है तो आप थोड़ा एडजस्ट कर लो फिर थोड़ा जमा वमा करके आप थोड़ा थोड़ा कलेक्ट कर लो तो वो ज्यादा अच्छा होता है रेदर देन अरे मुझे सब चाहिए एट द स्टार्ट. वो उसका कुछ फायदा नहीं है. बिकॉज अभी तो आप स्टार्ट कर रहे हो अभी आपको पता भी नहीं है. इफ यू आर सो श्योर कि आपका ये चलेगा ही चलेगा और आपको यही करना है देन अगर आपके पास बजट है तो बाय कर लो वरना फिर आप ऐसे भी आराम से कर सकते हो. सो या आई थिंक मैंने सब कुछ इसमें कवर कर लिया. आपको मैं क्लिप्स वगैरह डाल के भी बता दूंगी कि मैं कैसे इन जनरल इसको सेटअप भी करती हूँ. सो या आई होप कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो और आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो. सो इफ यू लाइक दिस वीडियो और दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू देन यू नो द ड्रिल लाइक शेयर कॉमेंट सब्सक्राइब एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. बाय बाय.